हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह, और लगातार जिस विषय की चर्चा हम कर रहे हैं और जो खास विषय है वो विषय है सचिवालय सहायक की परीक्षा। और साथियों, सबको पता है कि लगातार जिस बात की चर्चा हम लोगों को द्वारा हो रही है, और लगभग बीते जनवरी महीने से ही, जब से परीक्षा मतलब 23 दिसंबर 24 दिसंबर को जो पीटी परीक्षा हुआ और उसके बाद लगातार आंदोलन हुए, सरकार और आयोग बिल्कुल गंभीर नहीं थी, तब हम लोगों ने कोर्ट जाने का निर्णय किया। और लगभग मार्च महीने तक इस पर प्रोटेस्ट हुआ लगभग, और हम लोगों ने 23 मार्च को हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया। साथियों, लगातार अपडेट के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे, आज जो प्रमुख विषय है वो विषय है पीआईएल, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो जनहित याचिका जो प्रिया कुमारी का था, पिछले बीते महीने में भी, जून महीने में भी उनकी सुनवाई हुई, और आज यानी 28 जुलाई को भी उनकी सुनवाई हुई है। एक एक अपडेट आपको कोर्ट संबंधित आप हम देंगे। पहली बात की जो जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं वो है कि कल के मामले में, यानी कल जो हमारे लॉयर थे दीनू कुमार जी और रितिका रानी जी, जब हम लोग उनसे बात किए तब उन्होंने कहा कि आज ही, लगभग आज ही हम लोग इसको रद्द करा देते, क्योंकि जो पुख्ता सबूत, जो पिटीशन यानी उनके तरफ से हलफनामा दायर हुआ है आयोग की तरफ से, वो बिल्कुल अगर आप पाएंगे और जांच के दिशा में जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं अपने पेपर, अपने एफिडेविट के माध्यम से, अपने पिटीशन के माध्यम से, तो इस पर स्पष्ट हो गया है कि लीपापोती का प्रयास सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से, और ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की तरफ से, यानी आर्थिक अपराधी का एक जो शाखा जांच कर रही थी एसआईटी का टीम। तो साथियों, स्पष्ट जिस बात की हम लोग लगातार प्रतीक्षा कर रहे थे, और लगभग 9 लाख परीक्षार्थी इस इंतजार में थे, अगर मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले 11,000 छात्रों की अगर बात की जाए, तो उनके मन में एक सवाल होगा कि हमने मेंस परीक्षा दे दिया है तो मेरा रिजल्ट हो जाता, ऐसे वैसे बहुत तरह के सवाल। लेकिन आप क्या एक बात ये सोचे कि 9 लाख परीक्षार्थी में ऐसे लोग भी थे, मेरिट वाले स्टूडेंट भी थे, इनका रिजल्ट नहीं हुआ, और जिनको पता ही नहीं है, ना उनको क्वेश्चन बुकलेट मिलना है, ना आंसर की मिलना है, ना कार्बन को भी मिलना है, ना उनको बताया गया क्या कितना मार्क्स आया। ठीक है, आप परसेंटाइल पर निकाले रिजल्ट, परंतु आपको बताने का, उनको आपको जानने का पूरा अधिकार है। आरटीआई के माध्यम से लोग जान सकते हैं, परंतु पूरी प्रक्रिया जब रिजल्ट पब्लिश फाइनल हो जाएगा तब वो बताया जाएगा कि आपको परसेंटाइल में कितना आया नहीं। तो ये शुरू से ही बिहार सचिवालय सहाय आयोग जो है, बिहार कर्मचारी संघ, शुरू से ही चाहे प्रथम हो या द्वितीय हो, आप तृतीय, तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो कहीं से भी कोई भी रिजल्ट निकालने के पक्ष में नहीं है। साथियों, अभी जिस बात की हम चर्चा करेंगे वो बात है कि आज यानी प्रिया कुमारी का जो पिटीशन था, जो पीआईएल था, उसके संबंध में जो चीफ जस्टिस के बेंच में सुनवाई चल रही थी, और कल हम लोगों का हो जाता है तो निश्चित रूप से जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार कह रही थी कि ये मामला एक और मामला है, कल इसकी सुनवाई है तो उसको देख लेते फिर इसके बाद, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा था, तो हमारे जज साहब ने निश्चित रूप से, मधुरेंद्र प्रसाद ने इस बात की कही कि ठीक है, कल हम देख लेते हैं जजमेंट, उसके बाद फिर हम सुनवाई करेंगे। तो आज जिस बात की बात थी कि पीआईएल के मामले में जो सुनवाई हुई है और जो हमारे लॉयर द्वारा जो हमको जानकारी दी गई है, उस जानकारी का साझा आपसे कर रहे हैं साथियों, कि उनको कहा गया है कि ये मामला जो है रीट का है, और दो केस ऑलरेडी रीट पहले से फाइल है, एक मेरा 5802 मामला, दूसरा 2376 दो मामले, एक अश्वनी का मामला, एक मेरा मामला, दोनों मामले में दोनों मर्ज है, केस एक ही है, और एक पीआईएल का मामला है। तो पीआईएल के मामले में आज जो सुनवाई हुई है उसके अगली सुनवाई 4 अगस्त दी गई है, और हम लोग की सुनवाई जो होगी 2 अगस्त को होगी। तो साथियों, पूरा जो दारोमदार है, जो केस का जो रिगार्डिंग जो जानकारी है, उसके संबंध में निश्चित रूप से हम लोग के पास जो सबूत है वो बिल्कुल पुख्ता है, और आयोग और सरकार के तरफ से भी बिल्कुल घेराव की स्थिति है, उनको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब रही बात की जब तक हम लोग के पास, जब तक हम लोग जीत नहीं जाते हैं केस में, तब तक हम लोग इंतजार करेंगे, और निश्चित रूप से ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले का हम लोग सम्मान करेंगे। साथियों, 2-3 बिंदुओं की चर्चा खास करेंगे, हम लगातार कह रहे हैं कि आप लोग वहां पर भी आते, परंतु 15-20 लोग ही आते हैं, और जो लगातार हमारे प्रोटेस्ट में भी साथी रहे हैं, केस में भी पिटीशनर बने हैं, उन सब साथियों का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस मामले में, जैसे सत्यम भाई हुए, जैसे सूरज सिंह तोमर हुए, आशीष भाई हुए, विकास जी हुए, स्मृति हुई, और भी लोग साथी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे थे और पिटिशनर भी बने, और आज और जिस प्रकार से हम लोग संघर्ष कर रहे थे लगातार, लगभग 5-6 महीने से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर जिस प्रकार से आयोग और सरकार की, जिस प्रकार से कोर्ट में जो एफिडेविट 102 पेज का अगर चर्चा करेंगे उस पर भी, और उन्होंने इस बात का प्रयास किया है कि किस किस प्रकार से जो बिंदु है उस पर, तो हमारे लॉयर तो दीनू कुमार से ये बोल ही रहे थे कि अगर आज अगर पीआईएल दर्ज नहीं रहता तो निश्चित रूप से इसको आज ही हम लोग कैंसिल करवा देते,
परंतु अब अगली जो सुनवाई होगी वो 2 तारीख को होगी, तो 2 तारीख के दिन आप लोग भी वहां पर कोर्ट में आए। हम लोग भी नीचे रहते हैं, कोर्ट में ऐसे जाने के किसी को दिया नहीं जाता है, परंतु हम लोग लॉयर के चैम्बर के पास रहते हैं। जो जानकारी आपको मिलेगी हम लोग को मिलेगी, कुछ लोग आते भी हैं, तो एक एक जानकारी आपको हम देंगे अपने वीडियो के माध्यम से। परंतु आप लोग वहां आते तो सारे जजमेंट को, प्रक्रिया को, कोर्ट संबंधी चीजों को आपने देखते। साथियों, अभी जो जिस चीज जो चीज आपके सामने स्पष्ट है ये है कि बहुत सारी चीजें को आपने कहने के लिए कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, परंतु कमेंट करके आप बता सकते हैं हमारे इस YouTube के माध्यम से कि क्या विद्यार्थियों के पक्ष में, 9 लाख अभ्यर्थियों के पक्ष में अगर फैसला होता है, क्या सरकार और आयोग पर एक तमाचा नहीं है। हम लोगों की अगली जो सुनवाई होगी 2 अगस्त को होगी, इसलिए जो भी जजमेंट होगा हम लोग सर्वमान्य है। आप लोग भी जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम लोग सम्मान करेंगे, निश्चित रूप से सम्मान करना चाहिए, परंतु हम लोग के पास जो भी एविडेंस है पुख्ता एविडेंस है, और सरकार आयोग के हलफनामे में भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि लीपापोती का प्रयास कभी पटना पुलिस प्रशासन से, कभी सचिवालय सहायक आयोग से, और कभी ईओयू से, तमाम जगहों से पुख्ता सबूत के साथ हम लोग हाजिर है, और निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय का फैसला छात्रों के हक में होगा। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।